का काम अभी अभी भी अधूरा है, जिसकी उम्मीद 2025 तक बताई जा रही है। मैं हूं विशाल, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। और आज मैं ट्रैवल करूंगा साकेत मेट्रो स्टेशन से पालम मेट्रो स्टेशन। अगर साकेत मेट्रो स्टेशन की हिस्ट्री की बात करूं तो इसे 3 सितंबर 2010 में ओपन किया गया था। और यहां पे आपको दो प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे, दोनों ही आइलैंड प्लेटफॉर्म टाइप है। पहले प्लेटफॉर्म से आपको पूरा सिटी सेंटर और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आपको समयपुर बादली जाने वाली मेट्रो मिलती है। तो फ्रेंड रास्ते में मुझे फेज 4 का सिल्वर लाइन का कॉरिडोर जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, वो देखने को मिला है। तो रास्ते में चलते हुए थोड़ा सा इसके ऊपर एक अपडेट आपको देता हुआ चलूंगा। और हाँ फ्रेंड, करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, 92% लोग हमारे वीडियो को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ब्लॉग देखने को मिलते रहे। अभी इस वक्त मैं संगम विहार के पास हूँ और ये बदरपुर वाला रोड है। आप देख सकते हो ये फेज 4 का सिल्वर लाइन कॉरिडोर है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप देख सकते हो बीच में इतना काम हो चुका है बट अभी में काम में तेज़ी नहीं है, क्योंकि आप इसका रीज़न जानते हो। इसके रीज़न में अगर मैं बताऊं तो लगभग 1.5 महीने से यहाँ पे मज़दूरों की कमी थी, जो 1.5 महीने पहले यहाँ से मज़दूर अपने नेटिव प्लेस पे लौट चुके थे लॉकडाउन की वजह से। और इसका काम अभी अभी भी अधूरा है, जिसकी उम्मीद 2025 तक बताई जा रही है पूरा होने की। तो चलते हैं सीधा प्लेटफॉर्म पे और स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। इस अपडेट में थोड़ा सा बस यही रहा, और ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको ऐसे ही अपडेटेड वीडियो देखने को मिलती रहे। इसके अंदर लिखा हुआ है मेट्रो स्टेशन संगम विहार अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन अभी मजदूरों की कमी से इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। सो फ्रेंड, ये दिल्ली मेट्रो का सिल्वर लाइन का कॉरिडोर है जो कि तुगलकाबाद से दिल्ली एरोसिटी के बीच में है, और ये 10वीं लाइन है लेकिन ये हमें फेज 4 के बाद देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें टोटल 15 स्टेशन हैं, जिसमें से 4 एलिवेटेड है और 11 अंडरग्राउंड है। और अगर इसके स्टेशनों की बात करूँ तो इसमें आपको पहला स्टेशन दिल्ली एरोसिटी का है, दूसरा महिपालपुर, तीसरा बसंतपुर, किशनगढ़, छतरपुर, छतरपुर मंदिर, इग्नू, नेपसराय, साकेत जी ब्लॉक, अंबेडकर नगर, खानपुर, संगम विहार, तुगलकाबाद पोर्ट, तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी और तुगलकाबाद। और अगर मैं इसमें इंटरचेंज की बात करूं तो इसमें आपको तुगलकाबाद में आपको वॉलेट लाइन का इंटरचेंज देखने को मिलेगा, वहीं छतरपुर पर आपको येलो लाइन का इंटरचेंज देखने को मिलेगा, और दिल्ली एरोसिटी पर आपको इंडियन एक्सप्रेस लाइन जो कि ऑरेंज लाइन है उस पर आपका इंटरचेंज देखने को मिलेगा। और इसमें इसकी पूरी होने की संभावना 2025 तक बताई जा रही है। तक मैं पहुंच गया हूं साकेत मेट्रो स्टेशन और यहां से मैं अपने जर्नी को स्टार्ट करता हूं। तो चलते हैं पहले अंदर। तो फ्रेंड, ये है साकेत का गेट नंबर 2 और फिलहाल यहीं से एंट्री और एग्जिट हो रही है कोविड के वजह से। तो चलते हैं अंदर। मैं पहुंच गया हूं प्लेटफॉर्म पे और हमारी मेट्रो सामने आ रही है, आप देख सकते हैं। एंटर हो चुके हैं। बिल्कुल खाली है अभी फिलहाल, कोविड की वजह से बहुत ही कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं मेट्रो में। Magenta line. Doors will open on the right. Please mind the gap between the platform and the train.
इस वक्त मैं हूँ हौस खास पे और यहाँ पे मैं इंटरचेंज करने के लिए जाऊँगा मैजेंटा लाइन के लिए। कोई इस येलो लाइन के बारे में पता है ये किस लिए होती है? ये ब्लाइंड पर्सन के लिए होती है जो इसी के सहारे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ या प्लेटफॉर्म से एग्जिट करने के लिए यूज़ करते हैं। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं मैजेंटा लाइन के प्लेटफॉर्म पे और यहां पे वेट कर रहा हूं अपनी मेट्रो का। Station Palam. Next
फाइनली मैं पहुंच चुका हूं पालम और यहां पे मैं करता हूं अपनी वीडियो को एंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।